सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 28 केंद्रों पर 7684 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 5863 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1821 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार को टीकाकरण के लिए 10,000 से ऊपर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 7684 लोगों का कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा मेडिकल एवं एम्स गोरखपुर क्लब सहित 28 केंद्रों पर 7684 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग टीका लगवाने के लिए अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 28 जगहों का टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है और हमारी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बिहारी मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग और हमारी सी एस सी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर आज का लक्ष्य क्या? आज का लक्ष्य हमारा जो है 10,000 का है। सब जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील है कि अभी कोरोना गया नहीं है, लोग कोविड के नियमों का पालन करें। इधर देखा जा रहा है कि लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, वो लोग बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। भीड़ भाड़ में मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ के एरिया में बिल्कुल ही जाने की कोशिश ना करें। 2 गज की दूरी मेंटेन करें, जिससे कि कोरोना से बचाव संभव हो सके। और आप बाहर जाते हैं तो आप अगर इस तरह का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना को आप घर में ले जाएंगे और घर में लोगों को, अपने ही लोगों को आप फैलाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों से आप बचें और कोरोना महामारी से ज़िले को मुक्ति दिलाते रहें।